हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ वालों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हां गाइज, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, ठीक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए गाइस, और यह क्वेश्चन रिसेंटली अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, तो यह चांसेस है कि 2020 में अभी यह क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पुटअप किया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, मैं आपको एकदम काफी अच्छे से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते मैं इसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर आपको बताता हूँ। और गाइज, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस, जी हाँ गाइज, जो हमारे सेकेंड चैनल नीलेश क्लासेस के नाम से है, ठीक है, उसको अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, और उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ ये जो नाम लिखा है नीलेश क्लासेज, इसको सर्च करिएगा तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ क्या होगा कि आपको काफ़ी सारे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, लाइक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वहां से नोट्स लेना चाहते हैं तो क्लास टेंथ का मात्र 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट का एकदम बेस्ट क्वालिटी में नोट्स ले सकते हैं वहां से, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी सारी फ्री चीज़ें हैं वहां पे, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई कराए कि उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं हल लिख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को हम करते हैं हल, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले इसमें पार्क की चौड़ाई मान लेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी लंबाई 8 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से। तो सबसे पहले यही चीज मान लेंगे हम कि माना कि पार्क की चौड़ाई, ठीक है, पार्क की इससे चौड़ लिखकर मैं जीरो देता हूँ, समझिएगा, चौड़ाई बराबर 8, ठीक है, सॉरी बराबर 8 नहीं, ठीक है, बराबर 1 मीटर, ठीक है, ये चीज हमने मान लिया पार्क की चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं इसलिए पार्क की लंबाई बराबर, ठीक है, पार्क की लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई चूंकि हमने x मान लिया है तो लंबाई क्या होगी, 8 मीटर अधिक, यानी x प्लस 8 होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई यह चीज, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है। तो हमने मान लिया कि माना कि पार्क की चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसलिए पार्क की जो लंबाई होगी 1 और प्लस 8 होगी, क्यों, क्योंकि चौड़ाई ये जो है इससे 8 मीटर अधिक क्या है, लंबाई है, तो इसलिए उसमें यहाँ 8 जोड़ा जा रहा है। ये चीज आपको क्लियर है। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए काफी सिंपल सा है, यहाँ से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि हमें आयताकार पार्क, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए हमें बोल रहा है आयताकार पार्क है, तो आयताकार पार्क यानी आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, तो वही चीज ही यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, या सीधे मैं लिख लेता हूँ पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का वो दिया है 240 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर मैं नहीं लिखता हूँ या लिख भी देता हूँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हमें दिया है पार्क का क्षेत्रफल इतना, लेकिन जो पार्क है कैसा है, आयताकार है, और आयताकार जो पार्क होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है यानी आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो पार्क के क्षेत्रफल की जगह यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे और बराबर ये आपका 240 वर्ग मीटर है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको इसी तरह हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई है और हमने अभी ऊपर यहाँ देखा लंबाई कितनी हम लोग की 1 + 8 है और चौड़ाई 1 है, तो उस चीज को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। हम लोगों की सबसे पहले लंबाई, तो पार्क की हम लोग की लंबाई क्या है, 1 + 8 है, ठीक है, 1 + 8 है, इसको मैं कोष्ठ में कर लेता हूँ, और गुणे, ठीक है, हम लोग की चौड़ाई, चौड़ाई यानी x, ठीक है, इसको भी मैं कोष्ठ में इस तरह कर लेता हूँ, बराबर ये हम लोग का हो जाएगा 240,
क्लियर है। अब चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसी तरह हम सॉल्व करते जाते हैं आगे तरफ आगे की तरफ, और हम लोग का अंत में इसी तरह केवल सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस एक्स से में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर इसमें तो आठ एक्स, ठीक है। और देखिए 240 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 240 हो जाएगा, क्लियर है आपको। और बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो, ये हम लोग की एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए ऐसी मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए हम जानते हैं कि जो ये लास्ट वाला होता है इसका पहले में गुणा करते हैं, यानी 240 का पहले में हम गुणा करेंगे तो 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 240 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 240 एक्स स्क्वायर ये हो गया जब हमने इसका गुणा इसमें किया तो, ठीक है। अब देखिए हम ये जो बीच वाला है हम लोग का ये आठ एक्स, इस आठ एक्स को हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि आठ एक्स को मान लीजिए मैं पाँच और तीन में तोड़ लिया, इसी तरह मतलब दो चीज़ों को हम ऐसे में आठ एक्स को तोड़ेंगे, ठीक है, कि मतलब जोड़ने पे वो आठ एक्स हो जाए और दोनों का गुणा करने पे, ठीक है, यानी इस आठ एक्स को जिस रूप में तोड़ेंगे इन दोनों को गुणा करने पे हम लोग का 224 एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई गुणनखंड आप खोजिए, ठीक है, आप अपने मन में खोजिए। देखिए अभ्यास रहेगा तो आप तुरंत खोज लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस 20x और माइनस 12x लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, और जब हम दोनों का गुणा करेंगे 20x और 12x का तो 12 दोनों के 24 240 और ये एक्स 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 स्क्वायर, यानी हम लोग का ये बिल्कुल राइट है अगर हम 20x प्लस 20x और माइनस 12x लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर लिया और इस चीज को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर और ये हम लोग का प्लस 20x और माइनस ये हम लोग का क्या हो गया 12, तभी तो हम लोग का 12 दोनों का 24 12x, ये चीज हो गई। हमने 8x को इस दो रूप में तोड़ दिया, इस दो रूप में तोड़ दिया, क्योंकि देखिए 12x और माइनस 12x, ठीक है, सॉरी 20x माइनस 12x, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8x ही आएगा, तो 8x की जगह पे ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो 12 दोनों 24 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम गुणनखंड करते हैं, आई होप आप लोग जानते होंगे। और ये माइनस 240 तो माइनस 240 को उसी तरह रहने देते हैं, और ये बराबर जीरो है तो बराबर जीरो उसी तरह हम लोग छोड़ देते हैं। अब चलिए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे इस चीज को हम हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये जो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस ये 20x है, इसमें से हम क्या करेंगे कि x को कामन ले लेते हैं। अगर हम x को कामन लेंगे तो यहाँ x को इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा, और यहाँ 20x में भाग देंगे तो प्लस हम लोग का 20 बचेगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिए यह माइनस है तो माइनस, ठीक है, और यहाँ भी हम कामन ले लेते हैं, दोनों में से क्या लेंगे 12, क्योंकि 12 में इसमें से भाग चला जाएगा इसमें भी चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं 12 कामन लेता हूँ, तो 12 हम लोग कामन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 से हम माइनस 12 है इसमें भाग देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा केवल एक्स बचेगा, क्लियर है। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी ये प्लस हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे 12 दोनों का 24 यानी 2 और ये जीरो का जीरो, ठीक है, यानी 20 हो गया, ये बराबर जीरो। अब देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 20 कामन ले लेंगे, एक्स प्लस 20 कामन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग का देखिए इसमें भाग देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और इधर हम भाग देंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ आप लोग का क्या बचेगा, इधर ये कट जाएगा माइनस 12 बचेगा, क्लियर है ये चीज, आई होप आप लोग को यहाँ एकदम अच्छे से चीज क्लियर हो गई होगी। और ये बराबर जीरो है तो बराबर हम जीरो भी रख लेते हैं, ठीक है, ये बराबर हम लोग जीरो भी रख लिए, क्लियर। अब यहाँ से देखिए अगर एक्स का मान हम निकाले, एक्स बराबर निकाले तो देखिए ये एक्स बराबर अगर ये लेते हैं तो 20 उधर जाएगा तो हम लोग का माइनस 20 हो जाएगा, क्लियर है। और ये एक हम लोग का एक्स बराबर ये आप लोग का जब ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान हमें दो आया, एक माइनस 20 और एक 12, और एक्स हम लोग का क्या था अभी हमने ऊपर माना था, एक्स अभी मैं आपको यहाँ ऊपर ले चलकर दिखा देता हूँ, माना कि पार्क की चौड़ाई एक्स मीटर है, हमने पार्क की चौड़ाई मानी थी कितना एक्स मीटर, और एक्स का मान यहाँ दो आया हम लोग की, एक 20 एक माइनस 20 है और एक 12 आया। तो देखिए कोई भी पार्क हो, लाइक इस तरह हम लोग कोई भी एक पार्क ले लेते हैं, मान लीजिए यह एक पार्क है, ठीक है, तो ये पार्क है तो इसकी चौड़ाई माइनस में तो कभी नहीं ना हो सकती, हमेशा क्या होगी कि प्लस में इसकी चौड़ाई होगी, या ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है हमेशा क्या होगी प्लस में होगी, माइनस में कभी नहीं हो सकती। इसलिए एक्स बराबर ये माइनस 20 ये कल्पना गलत है, ठीक है, एक्स बराबर जो चौड़ाई होगी वो 12 होगी, इसी को हम ले लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गई यहाँ चीज, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन में यहाँ भी लिख भी सकते हैं कि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, ठीक है, भुजाएं यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि चूंकि भुजाएं
या चौड़ाई ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए x बराबर हम लोग ले लेंगे 12, ठीक है, हम लोग का x बराबर 12, यानी अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर हम लोग का 12 मीटर, ठीक है, चौड़ाई हम लोग की 12 मीटर आ गई क्योंकि हमने x शुरू में माना था x क्या है, चौड़ाई है, और x का मान 12, यानी हम लोग की चौड़ाई 12 मीटर, क्लियर ये चीज। और उसी तरह हम लंबाई ले लेते हैं, इसलिए, ठीक है, या चूंकि हम लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, तथा तथा लिख लेते हैं, तथा पार्क की लंबाई बराबर, पार्क की लंबाई बराबर, और लंबाई हम लोग की क्या थी, हमने देखा था लंबाई x प्लस 8 थी, ठीक है, तो बराबर हम x की जगह 12 रख लेंगे और प्लस ये 8 तो 8, और ये हम लोग का बराबर 20 मीटर हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। यानी हम लोग का अंत में क्या निकल कर आया, हम लोग का 12 मीटर चौड़ाई निकल कर आई, ठीक है, और 20 मीटर हम लोग की लंबाई निकल कर आई, ठीक है, यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, ऊपर हम लोग देख सकते हैं, चलिए मैं ऊपर चलकर आपको दिखा देता हूं। देखिए हमें पूछ रहा था ना कि पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो अंत में हमने यहाँ नीचे हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, पार्क की ये चौड़ाई हो गई 12 मीटर और ये पार्क की लंबाई हो गई 20 मीटर, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से यहाँ पे अब नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर होगी, और एक बड़ा सा आंसर लिख सकते हो, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व आप लोग कर लोगे, ठीक है, आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो बस रहने दे इस वीडियो में, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो बस थैंक यू।